property of determinant. Property number 5. Each element of a row or column consists of two terms. Then the determinant can be expressed as the sum of two other determinants. यह समझिए, इस डिटरमिनेंट में a1 प्लस x, b1 c1 फर्स्ट रो है, a2 प्लस y, b2 c2 सेकंड रो है, a3 प्लस z, b3 c3 थर्ड रो है, a1 plus x, a2 plus y, a3 plus z, first column है, b1, b2, b3, second column है, c1, c2, c3, third column है. अब each element of a column, element a1, element a2, element a3, इन सभी elements के साथ क्रमशः x ऐड हुआ है, y ऐड हुआ है और z ऐड हुआ है. a1 में x ऐड हुआ है, a2 में y ऐड हुआ है, a3 में z ऐड हुआ है और b1, b2, b3, c1, c2, c3. हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3 यहां प्लस है तो प्लस x b1 c1 x b1 c1 y b2 c2 y b2 c2 z b3 c3 z b3 c3 दो अदर डिटरमिनेंट्स हमें देखने को मिला. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है डिटरमिनेंट के डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए या फिर डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए या फिर डायगोनल के ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए, देन इस कंडीशन में हमें डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के एक्सटेंशन के रूप में प्राप्त होंगे. यहां a1 b2 c डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, यहां a1 b2 c3 डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, यहां डायगोनल के नीचे के और ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, देन हमें इनका एक्सटेंशन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, a1 b2 c3 a1 b2 c3 a1 b2 c3 a1 b2 c3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है डिटरमिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब डिटरमिनेंट के एनी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करा जाए तो इस बात को ध्यान रखेंगे
यहां से सिवन डैश सिवन प्लस एंड सिवन माइनस एंड सिवन। अब ये हो क्या रहा है, फर्स्ट कॉलम चेंज हो रही है, इस ऑपरेशन के होना फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में एक संख्या एम से मल्टीप्लाई करके एड कर देंगे। यहां तीसरा कॉलम जिसमें एक अन्य संख्या से मल्टीप्लाई करके सिवन से माइनस कर देंगे। ऐसा करने पर डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगी। यहां ऑपरेशन करा गया है, बाकी एलिमेंट्स सेम रहे, बी वन बी टू बी थ्री जिस राइट वाला सिवन सी टू सी थ्री यहाँ।